दोस्तों गुड मॉर्निंग, अनि कैलाश ब्लॉग 2019 यूट्यूब चैनल में आपका आज की प्रातः में फिर से स्वागत है। आज हम हमारे दो दोस्त आ चुके हैं, वो धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं और आशा है आप भी उठ गए होंगे अपने बिस्तर से एक्सरसाइज के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। दोस्तों आज हम जाएंगे कॉलेज की खड़ी चढ़ाई में। खड़ी चढ़ाई कम से कम 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसमें हम रनिंग करेंगे। अभी मैं हूँ लोअर कैंपस कॉलेज गेट पे। तो दोस्तों अब निकलेंगे हम धीरे धीरे, हमारे दोस्तों लोग आगे आगे जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है। हाय गाइज, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कॉलेज में। ये हमारे 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई में तो हालत ख़राब होगी, पसीना ही पसीना हो गया, देख सकते हैं आप। आज हम एक नए रूट के ले जा रहे हैं जहां हम आपको ओपन जिम दिखाएंगे, आर्मी कैंट एरिया दिखाएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। दोस्तों आज बहुत ही मज़ा आएगा, आज हमारी पूरी टीम साथ है, देख सकते हैं आप। चार बजे फोन कर करके बुला रखे हैं अभी बड़ी मुश्किल से। कभी कोई कहीं चल दे रहा है, कभी कोई कहीं चल दे रहा है, तो इनको इकट्ठा करना बहुत न माना है, क्योंकि बारातों का सीजन है। बारातों में भी क्योंकि बार बार बारातें नहीं होती है, इसलिए पूरा एंजॉय लो। आप भी लो, बारातों में जाओ, घूमना फिरना मस्त, यही एक्सरसाइज तो होती रहेगी। एक्सरसाइज का समय मॉर्निंग का है, तो मॉर्निंग में आप निकाल सकते हैं, बाकी दिन भर खाओ पियो मौज लो। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं SSA कैंपस के परिसर में, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा सुमन सिंह जीना महाविद्यालय। ये SSA कैंपस में ATM भी खुल चुका है, आप जो है पैसे निकाल सकते हैं आप, नज़दीक का ATM है। दोस्तों देख सकते हैं ये कॉलेज है। अब सोमन सिंह जीना को विश्वविद्यालय की उपाधि मिल चुकी है, यहाँ कुल सचिव बैठते हैं। पहले नैनीताल हुआ करता था, पहले अल्मोड़ा बागेश्वर नैनीताल में था, अब अल्मोड़ा और बागेश्वर जो है अल्मोड़ा में हो चुका है, विश्वविद्यालय का दर्जा से विश्वविद्यालय कह सकते हैं। पहुँच चुके हैं रोड में, देख सकते हैं आप। दोस्तों देवदार होटल, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कैंट एरिया में। यहाँ आर्मी की BPD तौर चल रही है, देख सकते हैं आप, बहुत राइफल कंधे में रखे हुए, पीठ में 25 किलो का वेट लेते हुए BPD चल रही है। ये आर्मी की एम्बुलेंस सबसे पीछे जाती है, देख सकते हैं आप, आर्मी वाले रनिंग कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आर्मी की BPD दौड़ हो रही है, देख सकते हैं। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है कैंट एरिया में, उससे नीचे हम यहाँ से निकलेंगे ब्रैडिन कॉर्नर, जो अल्मोड़ा का एक माना जाना दर्शनीय स्थल है, जहाँ काफ़ी कपल से चाय कॉफ़ी मोमोज खाने यहाँ पे आया करते हैं। और आप भी अगर कहीं कपल्स में है तो आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम ब्रैडिन कॉर्नर का नज़ारा, यहाँ से शाम को सूर्य छुपता हुआ का नज़ारा जो दिखता है। पूरा उत्तराखंड में एकमात्र दर्शनीय स्थल है जो ब्रैडिन कॉर्नर से देखा जा सकता है। ये देखिए हमारे जवान जा रहे हैं धीरे धीरे कदमों से। ब्रैडिन कॉर्नर एक दर्शनीय स्थल है जहां से सूर्य की प्राकृतिक छटा और शाम को डूबते हुए सूर्य की एक ऐतिहासिक घटना को देखा जा सकता है। आप भी जरूर, अगर अल्मोड़ा में रहते हैं, अगर कभी अल्मोड़ा आप घूमने आएंगे, तो आप यहाँ ब्रैडिन कॉर्नर में नियर आकाशवाणी के पास बोल सकते हैं, या फिर करबला तिराहे से आगे अल्मोड़ा बाजार वाली रोड में देख सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों ये देख सकते हैं शिवनंदा हॉल, विवेकानंद बुक सेंटर, यहाँ लाइब्रेरी है, रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा। ये बहुत यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं स्पोर्ट्स वाले दौड़ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस अल्मोड़ा। दोस्तों हम आज बहुत सक्रिय मार्ग से जा रहे हैं, देख सकते हैं बहुत डाउन है, नीचे ज़्यादा समय सीढ़ियाँ हैं। हम हमारे पैरों में दर्द होने लगी है क्योंकि हम चढ़ाई में और सीधे में काफ़ी दौड़ चुके हैं, देख सकते हैं दोनों शेर हमारे लंगड़ाते हुए धीरे धीरे। दोस्तों देख सकते हैं रास्ता बड़ा टूटा हुआ है, पानी की लाइनें हैं यहाँ से, देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं। ये देखिए पुराने टाइप की ये घर। दोस्तों देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा, ये पहाड़ अपने आप में एक प्राकृतिक छटा समेटे हुए हैं। ये नज़ारा आपको प्लेन्स दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, बाहरी स्टेटों में देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं क्या नज़ारा है दोस्तों, अभी नज़ारा का ज़रूर आनंद लें, पहाड़ों में ज़रूर घूमने आएँ गर्मियों के मौसम में, अपने बच्चों के साथ, माता बहनों के साथ आप ज़रूर आएँ, यहाँ का अलौकिक सुंदरता का आनंद लें। दोस्तों देखो हम लोग अपने ग्राउंड में पहुँचने वाले हैं। आज हमारा कुछ रूट नया रूट रहा, देख सकते हैं ये रास्ते ऐसे रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं दोस्तों ये पहाड़ी रास्ते, गांव घरों वाले रास्ते। यहाँ गांव है दोस्तों, अल्मोड़ा में बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र अपने आप में बहुत ही अच्छी हवा, कोई पोल्यूशन नहीं, अभी शांत वातावरण, ट्रैफिक ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आई नहीं दोस्तों, काफ़ी सुकून की ज़िंदगी है। ये देख सकते हैं ये आपको ये नज़ारा आपको देखा देखा सा लग रहा होगा क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं, 8 किलोमीटर की रनिंग हमारी हो चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों क्या प्राकृतिक नज़ारा है, क्या प्राकृतिक छटा है, इसका लुत्फ़ तो उठा सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर गुरु हमारे कुछ मंत्रणा करते हुए आपस में, ठंडा हो गया भाई, देख सकते हैं दोस्तों ये रास्ता, ये पैदल रास्ता, ये रास्ता दोस्तों खतियाड़ी से अल्मोड़ा बाजार पैदल जाता है। यहाँ से अगर आप गाड़ी में नहीं जाएंगे तो इसमें अगर आराम से भी आप चलेंगे तो आधा घंटा लगता है इसमें। ये देख सकते हैं हम अपने ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, ग्राउंड भी हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारे योद्धा आएंगे और कब एक्सरसाइज करेंगे, तो इसलिए हम कैंट एरिया होते हुए उत्तराखंड उद्योग बोर्ड कैंट एरिया से हम निकले, ब्रैंडन कॉर्नर, ब्रैंडन कॉर्नर से हम निकले खत्याड़ी कस्बा बीच, कस्बे के बीच से छोटी छोटी पगडंडियों से होते हुए हम सिमकनी ग्राउंड पहुंच चुके हैं। दोस्तों बहुत पसीना हो चुका है, काफ़ी हम लोग भीग चुके हैं और मैं आपको नई चीज़ों के बारे में रोज़ बताते रहता हूं। मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप काफ़ी लोग देख रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों मज़ा तो आ ही रहा है सुबह सुबह, और आप भी लुत्फ़ तो उठाएँ, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ध्यान लगाएं, जिम में जाएं। कौन से बैंक मैम? ये सेंट्रल बैंक के कोसी में कार्यरत हैं, ये भी हमारे बहुत बड़े फैन हैं, इनके द्वारा बोला जाता है, इनके द्वारा बोला जाता है कि सुबह सुबह रोज नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, इनके द्वारा भी हमें फॉलो किया जा रहा है। दोस्तों
अब मैं पानी के गैलन भी लाया था भरने के लिए, क्योंकि हम यहाँ से ऊपर जाके हमारा रूट उल्टा हो चुका था, इसलिए मैं गैलन लेते ही तो जा रहे हैं। देख सकते हैं आप पीने का पानी भी भरते हैं। दोस्तों हम बहुत लंबा रन करने के बाद, 8 से 9 किलोमीटर रन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं। तब भी दोस्तों के चेहरे में देखो बिल्कुल सिसकन नहीं है, क्योंकि ये आदतन अपराधी हो चुके हैं रनिंग के, एक्सरसाइज के। ये इनके रग रगों में जो है एक्सरसाइज रनिंग स्ट्रगल भर चुका है। अब इस संबंध में हम इनके इनसे कुछ दो शब्द सुनना चाहेंगे। तो जनोरी जी, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, थकान तो हर किसी को होती है, मानव नेचर है, जो एक्सरसाइज करेगा उसको थकान होगी। काफ़ी 8-10 किलोमीटर का हमारा वॉक रनिंग सब कुछ हो चुका है। अभी हम सिमखनी मैदान में पहुंच चुके हैं। काफ़ी ठंड महसूस हो रही है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है दिसंबर के महीने में ठंड होती है, तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। बाकी हमारे मेहता जी बताएंगे दो शब्द आपको। तो मेहता जी, आप बहुत दिन से बोले नहीं हैं, हम चाहते हैं कि आप भी मंद मंद मुस्कान से हमें कुछ दो शब्द बताएं। और बोलता हूँ आप रोज कहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो आज अपना जो है QR खोल दीजिए। क्या बोले बताओ आप, किस चीज़ के बारे में बताएं हम? क्या था? तो मेहता जी, आप आर्मी ग्राउंड से बिलोंग करते हैं। आज हमने कैंटी एरिया में BPD आर्मी वालों को दौड़ते हुए, एक बैग पीठ में लगाते हुए, कंधे में राइफल रखते हुए दौड़ते हुए देखा था। तो वो क्या चीज़ है हमारे दर्शकों को बताएं, क्या चीज़ है, मतलब क्या होता है ये चीज़ें, कैसे कैसे क्यों करते हैं हम लोग? ये होता है फौज का एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं BPET जी, मतलब बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जी। ठीक है, इसको क्या होता है, हर सोल्जर को पास करना पड़ता है, इसको टेस्ट होता है। इसका क्वार्टरली, मंथली, ना क्या होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली करके तीन टेस्ट होते हैं इसके जी। तीन में से इसमें क्या होता है, 5 किलोमीटर की रन होती है जी, जो एज कैटेगरी के हिसाब से होता है, 30 अंडर 30, ओवर 30, मतलब जो 40 तक आते हैं, फिर 45 की अलग होती है, उसमें टाइमिंग होता है, 2-2 मिनट बढ़ जाता है उनका जी। तो इसमें 25 मिनट जो होता है एक्सलेंट टाइम होता है जी, यानी 5 किलोमीटर जो उसके साथ जी, जो अपना वेपन होता है फुल, मतलब जो लड़ाई के दौरान जो हमारा जरूरत की चीज़ें होती है उनको लेके वो चीज़, मतलब आदमी दौड़ता है उस चीज़ को लेके, उसमें उसके ये आम निशान हो गया जी, और अपना टेस्ट लेते हैं इसका। तो इस, अच्छा इस, तो हम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो पीठ में बैग होता है, उस बैग में क्या होता है, वो उस बैग को ले जाने का रीजन क्या रहता है? उसमें उनका सामान होता है, पर्सनल सामान होता है उसमें, जैसे ड्रेस होगी, सूज हो गए, जो कहीं अगर कुछ फट फूट गया कोई चीज़, तो उसको चेंज करके उस चीज़ को पहन सकता है वो। क्या वो बिना बैग के नहीं दौड़ सकता आदमी, मतलब बैग होना जरूरी होता है उसको? लड़ाई के दौरान अगर आदमी जाएगा तो उसे वो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो उसको एक ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए उसे वो चीज़ इस्तेमाल करता है अभी। इसमें अगर हम क्या करते हैं अभी, जैसे एज ए ट्रेनिंग में उसको 2.5 kg वेट भी रख सकते हैं उसमें जी, कि टोटल वेट 2.5 kg का होता है पीठ में। उसके बाद फिर 5 kg का वेपन हो गया, फिर सूज हो गए, सूज आप देखते हैं, मतलब 2 kg के समथिंग, 1.5 kg 2 kg के सूज हो जाते हैं जी। बाकी फिर जो ड्रेस होती है उसका वेट भी अच्छा खासा होता है, वेट ऐसा कुछ नहीं है जी, 2.5-3 kg के आसपास जो ड्रेस का जो ऑर्डिनेंस पैटर्न का होता है उसका वेट होता है। तो मेहता जी, आपने आज संक्षेप में हमें बहुत चीज़ें बताई, हम आपसे फिर दर्शकों को बताने के लिए फिर पूछते रहेंगे नई नई चीज़ें। तो आज आपने जो है दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत चीज़ों के बारे में बताया, उसके लिए आप, हम आपका दर्शकों के इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद अदा करते हैं। आपसे फिर से नई जानकारी के साथ मिलेंगे। दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में देखें आप, ये सामने देखें, ये SSA कैंपस विश्वविद्यालय की बिल्डिंगें हैं, सामने देख सकते हैं, ये पूरी बिल्डिंग है, चारों तरफ उन्हीं की बिल्डिंग है। यहाँ हॉस्टल हैं, छात्रावास, महिलाएं पुरुष सभी हैं। आज हम आपको ये देख सकते हैं। दोस्तों मैंने सोचा है आपके बारे में, आपके लिए कुछ अच्छी पहल सूची है। मेरा मकसद है, मैं एक दिन समय निकाल के छुट्टी के दिन चितई मंदिर जाऊंगा, चितई मंदिर जाके आपको साक्षात दर्शन कराऊंगा कि कैसे कैसे जाने का रूट है, वहाँ क्या होता है, कैसे कैसे क्या मान्यता है चितई मंदिर की,
और ऐसी वहाँ धार्मिक स्थल की क्या क्या है, कैसे कैसे पूजा होती है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। दूसरा, एक दिन मैं जाऊँगा गेराड़गोलू, एक दिन जाऊँगा डानागोलू। और मेरा विचार ये भी है कि मेरा होम टाउन बागेश्वर पड़ता है, मैं भी अल्मोड़ा में निवासरत हूँ, तो मैं जिस दिन बागेश्वर अपने होम टाउन जाऊँगा तो मैं होम टाउन के बारे में, कई चीज़ें हैं हमारे वहाँ ऐसी ऐतिहासिक दर्शनीय और धार्मिक स्थल हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से। और मैं कौसानी जाऊँगा। कौसानी दोस्तों आपने सुना होगा, दोस्तों आपने सुना होगा, आपने जीके में पढ़ा होगा, भारत का स्विट्जरलैंड, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड की उपाधि दी गई है महात्मा गांधी द्वारा। तो हम वहाँ जाएंगे, आपको चाय के बागान दिखाएंगे, कौसानी की अलौकिक सुंदरता के बारे में अवगत कराएंगे, कौसानी का जो महत्व है महत्व के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम बैजनाथ जाएंगे, बैजनाथ के बारे में बताएंगे आपको, और फिर जाएंगे हम डोंगोली जाएंगे, वहाँ के मंदिर, डोंगोली में मैया का मंदिर है, मंदिर के बारे में आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों गरुड़ जाएंगे, बैजनाथ, गागरी गोल होते हुए आपको सभी बागेश्वर बागनाथ जी के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों अभी आपके लिए बहुत कंटेंट है मेरे पास, मैं आपको फिर अभी एक दिन सोचा है शिखर भनार जाएंगे, तो शिखर भनार के आपको नौलिंग जी के, नौलिंग देवता के दर्शन कराएंगे, अपने गांव के बारे में दर्शन कराएंगे, अपने गांव रीमा हो गया, दोफाड़, रीमा, पचार और बागेश्वर, बागेश्वर के बारे में बताएंगे आपको, बागेश्वर की क्या प्रसिद्ध, क्या चीज़ प्रसिद्ध है, बागेश्वर की जलेबी पसंद है, प्रसिद्ध माना जाता है उसको, सबको पसंद है, और अल्मोड़ा की बाल मिठाई प्रसिद्ध है। आपको कैंची धाम, बाबा नीम करोली महाराज महादेव के दर्शन करवाऊंगा। दोस्तों धीरे धीरे सब आपको, आपके लिए कंटेंट लेते आऊँगा मैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊँगा, एक्सरसाइज तो हमारी चली रही है, ट्रैकिंग भी चलेगी। तो दोस्तों आज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज हम इतना ही करेंगे, आज मैं एक्सरसाइज आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, अभी ड्यूटी भी जाना है, तो हमारे पास समय इतना नहीं है। तो दोस्तों आज की मॉर्निंग प्रातःकाल हमारे लिए काफ़ी अच्छी रही, हमने एक्सरसाइज करी और पैदल रनिंग करी, तो काफ़ी अच्छा सुखद महसूस हुआ। तो दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, माता बहनों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ नए नए सुझाव चाहते हैं, कोई नया चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे प्रोत्साहित करें कमेंट के माध्यम से, जो भी मेरे से कमियां रह जाती हैं उसके बारे में मुझे बताएं, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। और जो चैनल में पहली बार हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, मैं नई नई वीडियो बनाते रहूँगा, तो मैं आपके पास उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो दोस्तों अभी मैं चैनल पर खुद नया हूँ, मुझे ज़्यादा दिन नहीं है, 15 से 20 दिन के समथिंग मुझे हुए हैं, तो मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि आपके लिए अच्छी चीज़ मैं लेके आऊँ। दोस्तों इसके लिए आपको भी मेरा साथ देना होगा, मैं नई आपके लिए रेसिपी लाता हूँ, मॉर्निंग वॉक कंटेंट लाता हूँ, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।